तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड सुपर मॉडल पैनल की चेतावनी, तीसरी लहर आना लगभग तय। इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं, कहां पर प्रतिबंध लगा है, कहां पर स्कूल को क्लोज कर दिया गया है और किस देश में लगाया गया है 2 हफ्ते का लॉकडाउन। बने रहिएगा अंत तक, एक एक करके पूरा अपडेट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर आना तय है, इस महीने होगा पीक पर। कोविड सुपर मॉडल पैनल की चेतावनी, 19 दिसंबर का ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आपको बता दें ओमिक्रॉन थर्ड वेव इन इंडिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का संक्रमण देश के 11 राज्यों में फैल चुका है और हर दिन ओमिक्रॉन के संक्रमित लोगों की पुष्टि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। क्या बड़ा अपडेट है, इसको जरा आप ध्यान से समझ सकते हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस के करीब 7 से 7.5 हजार मामले हर दिन भारत में आ रहे हैं। ये मामले डेल्टा वेरियंट के हैं, लेकिन जल्द ही ओमिक्रॉन डेल्टा वेरियंट की जगह ले लेगा। कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा, भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। जी हाँ, तीसरी लहर में प्रतिदिन आएंगे ज्यादा मामले। इसके साथ आप इसमें देख सकते हैं ओमिक्रॉन इन इंडिया। जी हाँ, ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 140 पार चली गई है। किस राज्य में कितने केस हैं, आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं, आपको इसमें दिखाने वाले हैं। आप इसमें देख सकते हैं किस राज्य में ओमिक्रॉन के कितने केस हैं। महाराष्ट्र में 48 है, राजस्थान में 17, दिल्ली में 22, गुजरात में 7, केरल में 11, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 21, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में भी 1, ऐसे ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में है। ये 19 दिसंबर सुबह 5 बजे का अपडेट है, जिसमें 143 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। सिर दर्द, नाक बहना और थकान, ये हो सकते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण। और इसके साथ दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ओमिक्रॉन लॉकडाउन। जी हाँ, ओमिक्रॉन की लहर से सहमा है ब्रिटेन, लग सकता है 2 हफ्ते का लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन खतरे के बीच यूके में लग सकता है लॉकडाउन। क्रिसमस के बाद 2 हफ्ते का हो सकता है लॉकडाउन, यूके में लगा दिया जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ, टाइम्स खबर के मुताबिक इस समय लॉकडाउन के नियम तय किए जा रहे हैं। इसमें ऑफिस के काम को छोड़कर किसी भी प्रकार के इंडोर मीटिंग की मंजूरी नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट को भी आउटडोर सर्विस तक सीमित कर दिया गया है। इस सब के अलावा पीएम बोरिस जॉनसन के पास एक प्लान सी भी मौजूद है, यानी लगातार ब्रिटेन भी तैयारी कर रहा है लॉकडाउन की या उससे संबंधित प्रतिबंधों की। अब क्योंकि ब्रिटेन में रोज कोरोना रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वजह से ब्रिटेन में अब लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं आप इसमें देख सकते हैं स्कूल क्लोज, चंडीगढ़ में तत्काल स्कूल बंद करने के निर्देश। कोरोना मरीजों से बढ़ी है टेंशन। जी हां, पहले 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी होनी थी, लेकिन कोविड 19 के मामले बढ़ने के कारण इसे 20 दिसंबर से ही छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। यानी 20 दिसंबर से चंडीगढ़ में विद्यालय बंद हो चुके हैं और 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इन छुट्टियों के कारण परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, यानी चंडीगढ़ में स्कूल बंद कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरियंट की वजह से यह पहला राज्य है जो स्कूल को बंद किया है। दोस्तों वहीं बात करें यूपी कोरोना अपडेट की, तो प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना की रफ्तार। जी हां, बीते 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। यहां उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 33 नए केस सामने आए। इस वजह से अब आपको बता दें लखनऊ में 12 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 10 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। लखनऊ में 12 संक्रमित मिले हैं, लगातार कोविड संक्रमण बढ़ रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाए हैं वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, ऐसे में लगातार केस बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन चंडीगढ़ हुआ या अन्य कोई राज्य हुए, ये दिल्ली हुआ, इसमें प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। ओमिक्रॉन से जुड़ा कोई और अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।